हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रोसेस के बारे में। तो ये जो रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है, रिक्रूटमेंट 2023 के लिए TGT यहाँ पे आपका पोस्ट रहने वाले हैं। कैसे आपको यहाँ पे TGT पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले आपको डिटेल नोटिफिकेशन होता है, आपको यहाँ पे चेक करना है, जो कि हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपका यहाँ पे 5000 प्लस यहाँ पे आपका वैकेंसीज रहने वाले हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगी वो आपका 18/8/2023 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ में अप्लाई का जो डेट होता है वो चेक कर पाएंगे, फीस का डिटेल देख पाएंगे, साथ में एज आपका जो रहता है एज क्या रहना चाहिए, क्राइटेरिया क्या आपका है एज वो आप चेक कर पाएंगे, वैकेंसीज का जो डिटेल होता है वो आप चेक कर पाएंगे। चेक करने के बाद इसका जो ऑनलाइन अप्लाई वाला जो लिंक होता है ये भी आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे इसकी ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रोसेस के बारे में। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो टैब होता है इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर के स्क्रॉल कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड वाला जो बटन होता है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड वाला जो बटन होता है इसमें क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन जो पेज होता है वो खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का आपको नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फादर का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, आपका नाम यहाँ पे एंटर कर देना है, फुल फिल आपका जो भी नाम होगा वही नाम आपको एंटर करना है, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन में मार्कशीट में जो नाम होगा वही नाम एंटर करना है। आपका नाम एंटर कर देना है, पिताजी का नाम एंटर कर देना है, माताजी का नाम एंटर कर देना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है इस कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज करना है। सबसे पहले आपका जो डेट होता है डेट सेलेक्ट करना है, मंथ आपका जो भी होगा ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जेंडर आपका जो भी होगा जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी यहाँ पे टाइप, अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप का जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे आपका यहाँ पे वोटर आईडी, राशन कार्ड, जिससे भी यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे देना चाहेंगे तो एनी अदर यहाँ पे वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी यहाँ पे आपको क्या करना है सेलेक्ट करना है। आपका जो 12 डिजिट का जो नंबर होगा आधार कार्ड का वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, हाउस नंबर या आपका जो फ्लैट नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, सब लोकेलिटी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, लोकेलिटी आपको यहाँ पे दे देना है, कंट्री आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे आपका जो कंट्री होता है आपको यहाँ पे इंडिया ही सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो कंट्री के बाद स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एरिया का आपका जो पिन कोड होता है 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी आपको फिलअप कर देना है, कंफर्म कर लेना है मेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होता है वो आपका सेम है तो आपको क्या करेंगे इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक दोनों जानकारी होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट का जो एड्रेस होता है वो आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों को आपको सेम एज में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड यहाँ पे कैसे आपको क्रिएट करना है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अपर केस का यूज करना है, लोअर केस का यूज करना है, स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करना है, कुछ इस प्रकार। कम से कम आपको क्या करना है 8 कैरेक्टर से 10 कैरेक्टर तक के बीच में आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। 2 बार आपको यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसका आंसर आपको दे देना है। मल्टीपल आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका जो भी स्कूल होगा फर्स्ट आपका स्कूल होगा, आपका यहाँ पे पेन कौन सा फेवरेट पेन है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इसी प्रकार आपको फेवरेट बुक कौन सा है कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका रिकवर करने में यहाँ पे आसानी होगा। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, सिंपल यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक कर देना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप सबमिट में क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे डाटा को वेरीफाई करना होता है। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे जो भी डाटा यहाँ पे आपने फिलअप किया है रजिस्ट्रेशन में, वो डाटा को आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कुछ इस टाइप से टिक करके। आई एग्री में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। आपको लग रहा है कि आपका जो जानकारी होता है वो आपका सही है तो सिंपल यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP में आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो जानकारी होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन जानकारी मिस्टेक है तो एडिट रजिस्ट्रेशन में जाके अपना जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंड OTP में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसमें OTP आएगा, OTP को वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप क्लिक कर लेते हैं तो इसका जो डैशबोर्ड होता है इसमें आप इस प्रकार यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करना होता है तो सिंपल यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल आईडी में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईमेल आपको देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर ईमेल होता है उसमें OTP आएगा। OTP को सिंपली आपको फिलअप करके क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई कर लेते हैं इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक हियर टू गो होम में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक हियर टू गो होम में आप क्लिक करेंगे आपका जो ईमेल होता है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो जानकारी होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो जानकारी होता है वो कहीं मिस्टेक है तो आप यहाँ पे भी इसको एडिट या करेक्शन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपका जो जानकारी होता है आपको सही है, इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे आपको पूछा गया जम्मू कश्मीर के अगर आप यहाँ पे निवासी हैं इस डेट के बाद तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस क्लिक करना है। नहीं है इस डेट के बाद यहाँ पे निवासी तो आपको सिंपल यहाँ पे नो में क्लिक कर लेना है। कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी होगा ST, SC, OBC, EWS जो कैटेगरी होगा वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर आप यहाँ पे विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो आपको नो में क्लिक कर लेना है। यस क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप वगैरह आपको देना होगा। डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। विकलांग नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो में क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर क्यों स्क्रॉल कर लेना है, आपको एक्स सर्विसमैन, अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो नो में क्लिक कर लेना है। ऐसे यहाँ पे 3 ईयर का आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई रह चुके हैं, ये जॉब कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 ईयर का, आप यहाँ पे कंटिन्यू सर्विस कर चुके हैं तो आप इस वाले बॉक्स में यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर नो क्लिक कर लेना है। ऐसे यहाँ पे EMRS में अगर आप यहाँ पे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप यहाँ पे उसका जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नॉट एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन होता है इसमें आपको क्लिक करना है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे सिंगल कर लेना है। डिवोर्सी है तो डिवोर्सी करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे सिंगल क्लिक कर लेना है। सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, इसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, पर्सनल डिटेल यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, अप्लाई फॉर और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर ये हमको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो पोस्ट अप्लाई में आपको मल्टीपल यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगा तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे TGT यहाँ पे इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, TGT हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, या यहाँ पे थर्ड यहाँ पे लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैथ्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, TGT यहाँ पे मैथ्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको कौन सा आप देना चाहते हैं, जिस भी सिटी को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सिटी का, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले
स्टेट सेलेक्ट करना है, उस स्टेट में जो भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक सिटी में या हर एक स्टेट में आपको एक ही यहाँ पे एग्ज़ाम जो सिटी होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जहाँ भी आप फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं, वही आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है फर्स्ट में। इसके बाद आपको कम से कम यहाँ पर 4 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दे देना है एग्ज़ाम सेंटर का। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पार्ट 4 के लिए आप यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पेपर आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा, आप जो जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पे आप पेपर 4 के लिए यहाँ पे चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे पार्ट 4 के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे लैंग्वेज आप चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इससे आपको कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपका जो भी लैंग्वेज यहाँ पे चाहते हैं वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे तो हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे, इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे तो इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी पॉइंट को आपको यहाँ पे फिलअप करके सिंपल यहाँ पे डाटा को उससे नेक्स्ट में क्लिक कर देना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले ग्रेजुएशन का जानकारी आपको फिल करना होगा, इसके बाद आपको बीएड का। तो ग्रेजुएशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे पास आपको सेलेक्ट करना होगा, पास यहाँ पे सेलेक्ट करना ही होगा। पासिंग ईयर जो भी होगा वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, बैचलर आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रीम होगा वो स्ट्रीम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी आपका मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे एनी अदर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी बोर्ड ये यूनिवर्सिटी का नाम होगा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। परसेंटेज था ये CGP था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर आपको दे देना है, ऑप्टेन आपने जितने गेन किए हैं वो आपको फिल कर देना है। जो भी आपका मार्क्स होगा वो आप यहाँ पे आपका आ जाएगा, जो भी परसेंट होगा वो आपको यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद ऊपर के स्क्रॉल करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जितने भी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं डाटा को सैंपल के रूप में फिलअप किया हूँ तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। ऐसे आपको बीएड का जानकारी आपको देना है, पासिंग ईयर जो भी आपका पासिंग ईयर होगा वो आप देंगे, पासिंग ईयर जो स्टेटस होता है वो सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रीम होगा बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। ऐसे यहाँ पे परसेंटेज था CGP था सेलेक्ट करेंगे, टोटल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है, ऑप्टेन दे देना है, जो भी परसेंट होगा काउंट होकर आ जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पे आपको दे देना है। सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे आपको फिलअप करके सिंपली डाटा को सेव एंड नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्लिक कर। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे CTET, आपको यहाँ पे CTET का जानकारी देना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे CTET का पेपर अगर आपने नहीं दिया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं जो CTET का जो जानकारी होता है आपको इन स्टेप में आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे यस क्लिक करना ही होगा। जैसे यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन ईयर होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा CTET का, क्वालिफिकेशन ईयर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। रोल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपका जो भी पेपर होगा पेपर 2 आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, ये जो सिक्योरिटी पिन होता है यहाँ पे फिल करके डाटा को सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक कर लेना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है ये आपको यहाँ पे होना जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आपने यहाँ पे CTET का जो पेपर होता है वो आपने नहीं दिया है, क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ये जानकारी आपको देना यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड सेक्शन। फोटो आपको यहाँ पे 200 KB से मतलब आपका कम होना चाहिए और 10 KB से आपका यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। चूज फाइल या ब्रोज में आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे तो आपका जो होता है फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिग्नेचर आपको यहाँ पे 4 KB से आपको 30 KB के बीच में अपलोड कर लेना है। अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिल करके डाटा को सेव एंड नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपका जो प्रीव्यू सेक्शन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो भी आपका जो जानकारी होता है आपको चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, जानकारी को चेक करते जाना है। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है, जैसे यहाँ पे आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, और जो जानकारी होता है आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको इस वाले डिक्लेयर बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिक्लेयर करना है। इसके बाद ही आपको आई एग्री यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप फाइनल सबमिट में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो इसके बाद आपका जो फॉर्म होता है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड होता है, आपका प्रिंट आउट होता है, वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे भविष्य यूज, भविष्य रेफरेंस के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीट जानकारी दे दिया है कि कैसे आपको EMRS में TGT रिक्रूटमेंट 2023 का यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है बिना किसी मिस्टेक के। कम्प्लीट जानकारी मैंने आपको दे दिया है। फिर भी आपको किसी प्रकार का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो आज तक देखने के लिए।